जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अमरकंटक में ओस की बूंदें जम गई हैं। तो मौसम में बदलाव आया है, कड़ाके की ठंड अनूपपुर में पड़ रही है और अमरकंटक में ओस की बूंदें जमी हैं। तो ये दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको, ओस की बूंदें जमी हैं अमरकंटक में, कड़ाके की ठंड अनूपपुर में पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर पिछले दिनों से देखा जाए तो अब तक लगातार ठंड बढ़ती जा रही है मध्य प्रदेश में, तो उसी की वानगी यहाँ देखने को मिली। ओस की बूंदें यहाँ जमी हुई दिखाई दे रही हैं। जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तस्वीरें आपको ओस की बूंदों की दिखा रहे हैं जो जमी हुई दिख रही हैं। अमरकंटक में ओस की बूंदें जमी हैं। मौसम में बदलाव आया है और ठंड अब बढ़ रही है। हालांकि अनुमान ये भी लगाया जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा कि दो दिन बाद बारिश होगी और तब तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में ही ठंड पड़ रही है और अनूपपुर में कड़ाके की ठंड देखी गई है, ओस की बूंदें जमी हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विनय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से वहां पर ठंड पड़ रही है, लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं फिलहाल? जी, अनूपपुर जिले स्थित मां नर्मदा उद्गम स्थल पे तो इस समय ठंड का कहर जारी है। आप, मैंने वीडियो भेजी ही थी, आपने उसमें देखा होगा कि सुबह ही उसमें बर्फ जम गए हैं, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं के आने में कमी नहीं हुई है। श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर ही नर्मदा स्थल पर जाकर दर्शन कर रहे हैं, मां नर्मदा का पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनमें कोई कमी नहीं आ रही है अभी भी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि ठंड तो कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की जो भावनाएं हैं उसमें किसी प्रकार से कमी नहीं आ रही है और लगातार मंदिर आने का सिलसिला श्रद्धालुओं का जारी है।